नमस्कार, मैं सपन विश्वास अंडमान एंड निकोबार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शाम 4 बजे मरीना पार्क में अंडमान एंड निकोबार जनता पार्टी का जिला परिषद मेंबर श्री बी के अब्दुल अजीज जी ने DRM बच्चों लोग के साथ जो बातचीत किए हैं, आइए सुनते हैं और देखते हैं इस बातचीत का एक छोटा सा रिपोर्ट। और आप लोगों को लगता है कि हाँ, हम जो है न्याय दिला के रहेगा, हम लोग तो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट जाएगा, हो सकता है 1 साल में भी हो सकता है, हो सकता है 6 महीना में भी हो सकता है, वो तो ऊपर वाला काम है। और हम लोग प्रेशर बनाना हम लोग को जरूरी है। हम लोग कोर्ट में गया बोल के हम लोग घर में नहीं बैठना चाहिए। हम लोग का मकसद यही रहना कि हम लोग कोर्ट में गया है और हम लोग जो अपना काम करेगा यहाँ, जब तक हम लोग का आवाज़ नहीं सुनेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तभी जाके एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग आवाज़ को सुनेगा, चाहे कोर्ट से ऑर्डर आएगा तभी जाके हम लोग का बात को सुनेगा। उसके लिए तैयार रहना सर, उसी के लिए हम जो बोला कि आज सबको बुलाओ और हम लोग बात करेंगे। और हम जो है अभी डेली जो है कि डिपार्टमेंट वालों को हम यही बोल रहे हैं, हम लोग जो लड़ाई लड़ना था लड़ा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऊँट तक आवाज़ नहीं सुना। अभी आपको किया तो आएगा, पैसा जमा करने किया था लगता आपको, सीएस का बस किया था ना जी, जी। सीएस का रिस्पॉन्स किया था कि यहाँ से हम लोग एजुकेशन को भेजेंगे, डिपार्टमेंट को भेजेगा, लेकिन डिपार्टमेंट तब तक नहीं जाएगा जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम किसी को भड़काता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमारा बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने के लिए एकता रहना है। एकता कैसा रहेगा, इसका बीच में कोई ना कोई एक लीडर बनेगा, आप लोगों के बीच से कोई ना कोई एक लीडर बनेगा, सेकंड लीडर नहीं। अभी हम क्यों नसीमा का बात सुनना, बालू का बात सुनना, मैडम का बात सुनना, क्यों सुनना करके पूछे, ये नहीं होएगा। आप लोग एक ही बंदम, जैसे ओमगढ़ वाला का होमगार्ड वाला एक ही फंदा में आज हम उस लोग को सीएस का बस भेजा है, अभी 3 बजे सीएस का बस भेजा है, क्या मीटिंग हुआ आके वैसे मुझे हम बोला तुम लोग पहले मिलना है, क्या पोजीशन में पता करो, उसके बाद हम जाएंगे कल। मतलब हम तरीका से काम कर रहे हैं, हम उन लोग को रखे बराबर। अभी इसमें जो एडमिन है, हम लोग अभी इसमें 65 लोग हैं, 65 में हमको ऐसा 4 जन को दो जो हम लोग जो बोलेगा वो उन लोग को करना है, उसमें 4 आदमी का नाम हमको मांगता है, कोर्ट में होने दो या हम लोग का बाहर में एजिटेशन होने दो, कोई 4 आदमी जिम्मेदारी लेगा और 4 आदमी आप लोग से संपर्क करेगा और आप लोग वापस में एक रहेगा, इसके लिए तैयार हो, उसके लिए तैयार है। देखो आज तक तो कोई एक जन आवाज़ उठा के यहाँ तक तो नहीं पहुँचा जाओ, तो हमारा बोलने का मतलब मेरा पास तो डिपार्टमेंट ज़्यादा हो, हम एक सिंगल आदमी, हम एक जिला परिषद मेंबर है यार, कुछ नहीं, बस मेरा पीछे आप लोग का बोल के मेरा ताकत है। एडमिनिस्ट्रेशन डरता क्यों है, आप लोग पीछे है बोल के, अगर आप लोग भेजेंगे तो थोड़ी डरेगा, इसीलिए हम बोलता मेरा बोले मतलब एकता बना के रखो। हमको कोई 2024 के इलेक्शन में हमको इलेक्शन लड़ना नहीं, लेकिन हमको अंडमान का बच्चों को नौकरी मिलेगा, मेरे को उससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं, हम वही सोचते हुए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हम आज ये संघर्ष में उतरा है, हो सकता 50,000, 60,000, 70,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हम अपना पैसा से लड़ रहे हैं, आप लोग से 100 रुपये भी हम नहीं पूछ रहे, बस जगह में जहाँ बुलाएगा वो लोग आप लोग आना है, उसके लिए आप लोग अपना खर्चा करके आना है, अपना खर्चा करके बैठना है, चाहे वो कुछ भी हो, कितना दिन भी चले, उसके लिए आप लोग तैयार हो। क्यों, आप लोग को बिना इंटीमेशन का निकालना, किसी का पास रूल नहीं है कि बिना इंटीमेशन का निकालेगा, आप लोग इतना स्वागत हो रहे हैं आज, हम बोलता क्या है मेरा अपना बात को हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि सारा पार्टी वालों के बारे में हम बोल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी भी इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, कभी आप लोग उसके पास गया था नहीं किया, आप लोग का बस कभी आया नहीं आया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग आने वाला टाइम में आप लोग अपना हिसाब से विचार करना है, 2024 हम लोग का सिर के ऊपर है, हम लोग वोट में फैसला करेगा हम लोग को क्या करना है, लेकिन हमको नहीं करवा, हम बार बार बोल रहे हैं, हमको तो पूरा जगह से दबाव आ रहा है, CPM वाला परसों फोन के लिए कि आप मेरा कैंडिडेट बन के आओ, आपको हम लोग सीट देंगे, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। देखो नहीं सकता वाला काम में हम लोग नहीं जाना, जो सकता वाला काम उतरेगा, आज ऊपर वाला हमको दिया है इसलिए हम अपना पैसा डाल के आप लोग का केस लड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बन के रहना, एक ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी बोले, आप लोगों को लगता है कि पोजीशन क्या, आप लोगों को डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट कोर्ट का डेट में आप लोग को बुलाएगा, आप लोग वो दिन आके कोर्ट के अंदर बैठे क्या बात चलता है आप लोग सुनो, हर एक एरिया से मांगते हैं एक जन आ जाए, हम छोड़ने वाला नहीं है, हम हर महीना का एयरिंग में हम जाएगा और आप लोग को मांगते हैं एक दो 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 जन को आप लोग को लेके बैठाएगा, ताकि क्या आप लोग का पोजीशन जा रहा है केस का, ठीक है। और वकील भी अच्छा वकील है, वो बेचारा ज़्यादा पैसा पूछा भी नहीं हमसे, 20 रुपये मंगा कर ली, अभी पहला
हम देगा, पिटीशन फाइल करेगा, उसका बाद हम उसको 5-5, 10-10 करके देंगे जो हिसाब से होगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एडमिशन का तरफ से दबाव जाए, एडमिशन फाइल होने का बाद में, सॉरी गुस्सा नहीं होगा। नहीं नहीं, 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 नहीं। सर आप एजुकेशन में आरटीए फाइल करे थे ना सर, उसका जवाब हमको आ गया, पैसा बांध दिया, 526 रुपये बांध दिया, अभी एक हफ्ते ही हुआ बात, उसका डिटेल्स हमको मिल जाएगा, उसका बाद में वही वाला रख के हम केस फाइल करें। अभी उस लोग का 4 लाख रुपये TA DA सब मिल गया, हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग को वो कम से कम तो हम लोग को जॉब देना था, कम से कम कंटिन्यू जा सकते थे। उसका बाद नहीं लिया, हम डायरेक्ट वीडियो ले रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम से हटाना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा मत करो ना प्लीज। वो बैठा उसका पैनल अलग से, भैया प्लीज मार के मार के मार के। बाला